दिल्ली के पटेल नगर इलाके में एक बंद कमरे से शव बरामद होने से सनसनी मच गई। उस कमरे में दो दोस्त रहते थे, सतीश और कुणाल। शव सतीश का मिला, सूचना कुणाल ने दी, लेकिन मौत का मैसेज देने के बाद से कुणाल फरार है, उसका फोन बंद है। एक फोन कॉल, एक मैसेज के बीच सतीश की मर्डर मिस्ट्री उलझ गई है। एक फोन कॉल, एक SMS और एक मर्डर। फोन आने के बाद मैंने वापस उस पार्टी चला लिया। कुणाल ने फोन पर जो कहा उस पर सतीश के मामा को यकीन नहीं हो रहा था। फिर कुणाल ने एक SMS किया। SMS में जो लिखा था उसे पढ़कर सतीश के मामा विनोद के होश उड़ गए। SMS में लिखा था, सतीश के रूम में ताला बंद है, हम ना मिले तो ताला तोड़कर निकाल लीजिएगा। ये SMS मिलते ही विनोद पटेल नगर भागे, सतीश के कमरे पर पहुंचे। जैसा कुणाल ने कहा था ताला बंद मिला, वहां भयानक बदबू फैली थी। विनोद ने ताला तोड़ा, कमरे में दाखिल हुए तो देखा सतीश का मर्डर हो चुका था। सतीश का शव कंबल में लपेट कर रखा गया था, उसे मारकर कातिल फरार हो चुका था। वहां देखा तो बदबू आ रहा है और ताला तोड़ गया था, पूरा मारा पड़ा है। किसने मैसेज किया था आपको, किसने फोन किया? इसका रूम पार्टनर था कुणाल। विनोद ने भांजे सतीश की हत्या की खबर पटेल नगर थाने में दी। मौके पर दिल्ली पुलिस की क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम ने तफ्तीश शुरू की, शव को कब्जे में लिया। मौका वारदात के हालात और विनोद के SMS और फोन कॉल वाली बात के बाद पुलिस भी सतीश की हत्या का शक उसके दोस्त कुणाल पर जता रही है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही हत्या कब और कैसे हुई का खुलासा करने को कह रही है। खोल के देखा तो वहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है, हमें जो हाईली डिकम्पोज है उसको हॉस्पिटल भेजवाया, पोस्टमार्टम करेंगे। क्राइम में वैसे अभी कोई बॉडी पे ऐसे कोई रिमार्क नहीं मैन मिले हैं पुलिस को, पोस्टमार्टम के बाद निकलेंगे। सतीश और कुणाल पटेल नगर में किराए में एक ही कमरे में रहते थे, एक ही कुरियर कंपनी में काम करते थे, दोनों दोस्त थे। लेकिन सतीश की हत्या के बाद से कुणाल का फोन बंद है, वो फरार है। दिल्ली पुलिस पूरे मामले की छानबीन और सतीश के फरार दोस्त कुणाल की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस के सामने इस वक्त बड़ी चुनौती है कत्ल की वजह का पता लगाना। फिलहाल कातिल का सुराग नहीं मिला है। ऐसे में दोस्तों, पड़ोसियों और दफ्तर में काम करने वालों से पुलिस पूछताछ कर मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश में जुटी हुई है। संजय वर्मा, इंडिया TV, दिल्ली।